السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، اور دور دراز سے تشریف لانے والے سامعین کرام، صحابہ و اہل بیت، دو لفظ کہنے کو تو جدا جدا محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ جو صحابی نہیں وہ اہل بیت بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار، جن کو اہل البیت کہا جاتا ہے، وہی ہیں جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ پر ایمان نہیں لایا تو وہ اہل البیت میں شامل نہیں ہوا. اصل میں ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیلایا گیا دشمنان اسلام کی طرف سے کہ اہل السنہ والجماعہ اہل بیت کو نہیں مانتے، جبکہ یہ پروپیگنڈا اسی طرح کا ہے جس طرح دنیا میں ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا نبی اور اپنا سب کچھ قرار دیا اور ان کے نام پہ ایک مذہب بنایا. گویا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اجارہ داری قائم کر اور دعویٰ یہ کر دیا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نہیں، حالانکہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار سب سے زیادہ انہوں نے خود کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کے مقام کو، ان کے معجزات کو سب سے زیادہ رد انہوں نے کیا. لیکن چونکہ نام پر مذہب بنا چکے تھے، نام پر اجارہ داری قائم کر چکے تھے، تو آج ہر شخص جیسے ہی وہ لفظ سنتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے.
ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में हम मुसलमान मानने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को, उनके मौजज़ात को, उनकी तालीमात को हम मानते हैं। मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके लिए मौजज़ा है। तमाम मुसलमान इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, इन्ना मथल ईसा इंदल्लाही कमथल आदम, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम जैसी है, वो भी बगैर बाप के पैदा हुए और ईसा अलैहिस्सलाम भी बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन उनका ये मौजज़ा ईसाइयों की अक्सरियत तस्लीम नहीं करती। उनकी किताबों में भी और उनके अकायद में भी ये बात शामिल है, वो ईसा अलैहिस्सलाम का नऊज़ु बिल्लाह एक बाप बनाकर पेश करते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम का एक शौहर बनाकर पेश करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह सुब्हा नऊज़ु, जबकि हम ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा पूरे यकीन के साथ मानते हैं। तो जिस तरह उन्होंने सिर्फ नाम ले लिया और एक दावा कर दिया, और बहुत से लोग इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए कि शायद ये ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, इसी तरह एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने अहले बैत के नाम पे इजारादारी कायम करने की कोशिश की, उन्होंने अहले बैत के साथ अपने आप को मंसूब कर लिया और ये तासुर दिया लोगों को कि अहले बैत को हम मानने वाले हैं, जबकि हकीकत में अहले बैत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उतना ही अहले बैत से उनका ताल्लुक है जितना ईसाइयों का ईसा अलैहिस्सलाम से। हमने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मजहब नहीं बनाया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को हम ही मानने वाले हैं, और अहले बैत के नाम पे हमने मजहब नहीं बनाया, लेकिन हकीकत में हम ही अहले बैत को मानने वाले हैं। अगर आप बुनियाद देखें कि अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद और अहले बैत से मोहब्बत के दावे की बुनियाद ही खोखली है, क्योंकि कुरान करीम ने जिन हस्तियों को अहलुल बैत करार दिया है वो उनको सिरे से अहलुल बैत मानते ही, जैसा कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े साफ अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को अहलुल बैत करार दिया, बल्कि पूरे कुरान करीम में तीन जगह पर अहले बैत का तज़किरा है, तीन जगह पर, और तीनों जगह पर अहले बैत से मुराद कहीं भी कोई मर्द नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि मर्द अहले बैत हो नहीं सकता या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में कोई मर्द अहले बैत नहीं था, इसका यह मतलब नहीं, लेकिन असास और बुनियाद को देखें कि कुरान करीम ने अहले बैत का जहां भी तज़किरा किया तो वहां ख़वातीन का तज़किरा है। सूरह अहज़ाब में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को खिताब फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनल निसा, ए नबी की बीवियों तुम कायनात की किसी भी औरत जैसी नहीं हो, यानी दुनिया की कोई औरत भी तुम्हारी शान और मकाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की हर औरत से अज़वाज मुतहरात की शान और मकाम बुलंद है। अब ये कुरान करीम का दिया हुआ अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को, लेकिन आज माहौल माशरे में प्रोपेगंडे का असर ये है कि आप किसी से पूछ के देख लें कि सबसे ज्यादा इस कायनात में फजीलत वाली खातून कौन सी, तो अक्सर अपने आप को सुनने के आने वाले भी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम ले,
जबकि ये कुरान करीम के खिलाफ है। या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कायनात में कोई भी औरत ऐसी नहीं कि जिसकी शान के बराबर अजवाज मुतहरात की शान को करार दिया जा सके। बुलंद होना तो दूर की बात है, किसी औरत की शान अजवाज मुतहरात के बराबर भी नहीं। तो बहरहाल इस आयत के बाद ही अगली आयत है जिसको आयत तत्हीर लोग कहते हैं, और उससे मुराद मज़ूमा अहले बैत, यानी जो उनका ख्याल है अहले बैत, सिर्फ उनको मुराद लेकर उनकी तत्हीर साबित करके और बाकी सब का इनकार किया जाता है। तो दावा है अहले बैत को मानने का, लेकिन असल अहले बैत जिनको कुरान ने अहले बैत कहा है अज़वाजे मुतहरात, सिरे से उनको अहले बैत मानते ही। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा को अहले बैत कहा, वाक़ आपको मालूम है, फरिश्ते आए, खुशखबरी दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने ताज्जुब का इजहार किया, अपनी और अपने खामद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र के हवाले से कि हमारी तो उम्र नहीं, रूटीन में इस उम्र में बच्चे नहीं पैदा होते। उन्होंने कहा अताजबीन अमन अमरिल्ला रहमतुल्लाह व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। तो यहां भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा मोहतरमा को अहले बैत कहा। और तीसरे मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अहले बैत कहा गया, जब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उनके पीछे पीछे देख रही थी कि उनका जो संदूकशा है वो पानी में बहकर किस तरफ जाता है। उनकी वालिदा ने अपनी बेटी की ये ड्यूटी लगाई कि पता करो, देखो कि कहाँ जाते हैं। तो जब वो चलते चलते फिरौन के महल में पहुँचे, उनको निकाला गया, और फिर फिरौन की बीवी ने कहा कि इसको कत्ल ना करें, हो सकता है हमारे किसी काम आ जाए या हम इसको बेटा बना लें। उस वक्त औरतों को बुलाया गया कि कोई इसकी किफायत अपने जिम्मे ले, इसको दूध पिलाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीने से इनकार कर दिया, किसी का भी दूध नहीं पी रहे थे। उस वक्त मौका पाकर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि अहलादुल्लुकुम अला अहली बैत या कुरूनहु लकुम, क्या मैं तुम्हें एक अहले बैत के बारे में ना बताऊं जो तुम्हारे लिए मूसा की किफालत करे। तो यहां भी अहले बैत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को कहा गया। तो पूरे कुरान करीम में यही तीन मकाम हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जो बताया है, अहले बैत का जो तसव्वुर दिया है वो अज़वाज मुतहरात के बारे में, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ये है। असासी और बुनियादी तौर पर अज़वाजे मुतहरात ही अहले बैत हैं। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई सही मुस्लिम में भी, मुसनद अहमद में भी, मुख्तलिफ सनदों से वाकया मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनको चादर के नीचे लेकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउला याली गई, कई अल्लाहुम्मा जाल हाउला याली गई, अल्लाह इन्हें भी मेरे अहले बैत में शामिल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल फरमा ली, हम उनको भी अहले बैत में शामिल मानते हैं, हम इनकार नहीं करते। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले और उस नाम पर अपना अलग मजहब बनाने वाले और इस बिना पर अहले सुन्नत को मतऊन करने वाले, उनका उनकी मोहब्बत का हाल यह है कि जो अहले बैत हैं, कुरान अल्लाह ने जिनको अहले बैत कहा है उनके अहले बैत होने का ही इनकार है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनको तो अहले बैत मानते हैं,
यकीनन मानना भी चाहिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तीन बेटियों को, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां होने से ही इनकार हो जाता, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां मानते ही नहीं, नऊजुबिल्ला उनके बारे में दावा यह करते हैं कि वो किसी काफिर की बेटियां थी, नऊजुबिल्ला सुम्मा नऊजुबिल्ला। उनमें से सबसे बड़ी बेटी जो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत भी बहुत मिसाली थी, और अगर कोई पूछे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से सबसे अफजल कौन है, पहले सुन्नत में से भी अक्सर का फौरन जवाब ये होगा कि सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की अजमत का, उनकी फजीलत का कोई इनकार नहीं, वो भी हमारे नबी की बेटी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी शान और मकाम हमें तस्लीम है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर नहीं। बात है ना फजाइले सहाबा व अहले बैत, तो अहले बैत के फजाइल क्या है, उनसे मोहब्बत का तकाजा क्या है, उनके मनाकिब क्या हैं, हम उनको उस तरीके से मानते ही नहीं जिस तरह अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ये वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के बाद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिजरत करने की कोशिश की, निकली हैं, लेकिन कुफार को पता चल गया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेटी के काफिले पर हमला किया, और ये मुस्तदरक के हाकिम वगैरह में सही सनद से साबित है कि हमला किया, और उस हमले में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जख्मी हो गई और उनका हमल गिर गया। ये झूठ तो आपको सुनाया जाता है और प्रोपेगंडा बहुत ज्यादा किया जाता है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का हमल गिरा दिया, किसने, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, झूठ बिल्कुल झूठ। हत्ता के रवाफिज़ के अपने मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि ये वाकया साबित नहीं है, लेकिन इतना तकरार से उसका बार बार जिक्र किया जाता है कि लोगों के जहनों में ये बात डालने की कोशिश की जाती है कि नऊज़ुबिल्लाह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका घर दरवाजा तोड़ दिया, उनका हमल गिरा दिया, नऊज़ुबिल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बेटी का हमल गिराया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की तरफ हिजरत करने की खातिर, इस्लाम की खातिर, उसका कोई तज़किरा आपको नहीं मिलता, उसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि मेरी बेटी मेरे पीछे हिजरत कर रही थी, उसको रोक दिया गया और उसको तकलीफ पहुंचाई गई मेरी खातिर, वापस ले जाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, किसी तरीके से मेरी बेटी को निकाल कर लाओ। लंबा वाकया है, तो बहरहाल उस हदीस में ये अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए ये हाजी ही अफजल बना दी मुसीबत भी है, ये मेरी बेटियों में से सबसे अफजल हैं, इन्हें मेरी खातिर दुख दिया गया। तो बात अहले बैत की हो और उनकी मोहब्बत की हो तो वो किताबों सुन्नत की रोशनी में होगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया, जिनको अहले बैत करार दिया है उनको मानना पड़ेगा अहले बैत, और जिन अहले बैत की फजीलत ज्यादा है उनकी ज्यादा माननी पड़ेगी। जो जो मकाम, जो जो फजीलत किताब सुन्नत में अहले बैत की मौजूद है उसको उसी तरह तस्लीम करना। अहले बैत का नाम लेकर किताब सुन्नत के सारे कवायद को उलट पुलट करने की कोशिश की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात का इनकार करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी मोहब्बत की आग में
गुलूब करते हुए उनकी शान में उनको सबसे ज्यादा बढ़ाकर सहाबे कराम से भी हत्ता कि अंबिया से भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बिल इत्तेफाक बिल इजमा, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी भी सबसे अफजल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, फरमाया मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा से है रजी अल्लाह अन्हा, ये सही बुखारी की हदीस है। फिर सवाल किया गया कि नहीं, हमारी मुराद तो मर्दों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, तो मैं अबू हा उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। इसी तरह सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, इन्ना मिन अमन मिन नास अली है फी सुहबती युआली अबा बकर, ये तमाम लोगों से ज्यादा मेरे ऊपर एहसानात साथ देने के एतबार से, माल देने के एतबार से अबू बकर के हैं रजी अल्लाह अन्हु। और सहाबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बरमला तौर पर यह कहते थे, जैसे कि सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, वाकया जिक्र किया, बैठे हुए सहाबे किराम को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया कि वो चाहे तो इस दुनिया की नेमतों और आसाइशों का इंतखाब करके दुनिया की जिंदगी ले ले, या अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जो आखिरत की नेमतें हैं उनका इंतखाब कर ले। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जो नेमतें हैं, उखरवी नेमतें हैं, उनका इंतखाब कर लिया। अब सबसे आला के सामने ये बात जिक्र हुई, लेकिन उनमें से सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने धारे मार मार कर रोना शुरू कर। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे समेत सारे सहाबा ये कहने लगे कि इन बुजुर्गों को क्या हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान किया है, एक बंदे का जिक्र किया है कि अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है और उन्होंने उखरवी नेमतों को पसंद कर लिया है अल्लाह के उस बंदे ने, तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को क्या हो गया है, इन्होंने जारो किताब होना शुरू कर दिया। तो उस वक्त तो हमें मालूम नहीं हो रहा था, बाद में हमें पता चला कि वकान अबू बकरिन हुआ आला मका, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमें इस बात का बाद में यकीन हो गया कि हम में से सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने वाला वो अबू बकर है, क्योंकि वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा अल मुखय्यर, बाद में हमें पता चला कि जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे थे कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दे दिया है, वो तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने तो बताया है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, मैंने अल्लाह के पास जो नेमतें हैं उखरवी उनको पसंद कर लिया है, आपने तो हमें अपनी जुदाई के बारे में बताया था, लेकिन सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सबसे ज्यादा इल्म वाले थे, तो जब फजाइले सहाबा और अहले बैत की बात होती है तो अहले बैत के बारे में लोग गुलूब का शिकार हो जाते हैं, एक तो अहले बैत कौन है इस हवाले से भी, और एक फिर अहले बैत के फजाइल के हवाले से भी गुलूब का शिकार हो जाता है। अब बहुत सुनते हैं जब बात होती है आमतौर पर बोले वाले जहालत का शिकार मुसलमान, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के इल्म में मुबालगा करते हैं कि सबसे बड़े आलिम वो अली रजी अल्लाह अन्हु थे, और उस बारे में झूठी रिवायतें बेधड़क बयान करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब करते हैं, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, और मुबालगा करने वालों ने यहां तक हर दर्जा मुबालगा कर दिया, कहते हैं रिवायत घड़ दी और इस
और इसमें इतना मुबालगा किया कि कहते हैं कि इलम में मुबालगा करते हुए कि जिब्रील जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, तो अगर आपके पास 100 दफा आए हैं तो अली के पास 200 दफा आए। कैसे? कि अली तो दरवाजा है, जिब्रील जब आते तो तब भी दरवाजे से गुजरते, और जब वापस जाते तो तब भी दरवाजे से गुजरते। यानी मुबालगा इस हद तक कर दिया जबकि किताब और सुन्नत की तालीमात या सहाबा इकराम का जो इजमा और इत्तेफाक है वो ये है कि अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े आलिम, उनके बाद शाम और मकाम में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु है, सहाबी रसूल हैं, उनका मकाम अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद दूसरे नंबर पर है। इल्म और फजल में, वरा और तक्वा में, हर फजीलत में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे नंबर पर है। तो ये झूठी रवायत तो घर दी कि मैं इलम का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, मैं हिकमत का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। लेकिन जो सही अहादीस थी सहाबा इकराम की फजीलत में और उनके इलम की फजीलत में, वो बिल्कुल आज हमारे यहाँ बयान नहीं होते। और अगर आप गौर करें तो कितनी खुली दलीलें हैं आलो सुनना के लिए, आलो हाथ के लिए, और इन रवाफिज और इन दुश्मनान इस्लाम के रद्द के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी सही बुखारी के हदीस है कि मैंने ख्वाब में लोगों को देखा, मेरे पास दूध का प्याला लाया गया, मैंने दूध का प्याला शेर होकर पिया, इतना पिया कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे नाखूनों से बाहर आ गया, यानी मैंने बिल्कुल शेर होकर पिया। फिर मैंने बाकी सारे लोगों की बजाय वो दूध का प्याला उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। सुम्मा नावत हो उमर, फिर मैंने दूध का प्याला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। अल्लाह के रसूल, इसकी ताबीर क्या है? आपको ख्वाब आया है, अल्लाह की वही है, अल्लाह की तरफ से आपको बताया गया है इलम, हमें भी बताया इसकी ताबीर क्या है। ये जो वही आपके पास आई है हम उसको कैसे समझे? वो क्या चीज थी जो आपने शेर होकर दी थी कि उमर को दे दी? फरमाया अव्वल तो इलम, उसकी ताबीर मैंने इलम से की है, यानी अल्लाह ने मुझे इलम दिया, मैं पैकरे इलम बन गया, इतना मैंने इलम हासिल किया, इतना किया, पैकरे इलम बन गया, फिर मैंने वो इलम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। अंदाजा करें, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल बहुत ज्यादा है और हम उनको मानते हैं, दिलो जान से तस्लीम करते हैं। अगर ये हदीस अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में होती तो फिर लोगों को क्या तस्लीम अमल होता? फिर गुलूम करके कहां से कहां बात को ले जाते। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में और इलम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इलम उमर को दे दिया। हम इस हदीस की वजह से बाकी सहाबा इकराम के इलम का इनकार नहीं करते, लेकिन एक दाम पे फिक्र है कि अगर आपने अहले बैत के फजाइल को मानना है तो गुलूम ना करें, उस तरीके से माने जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा है। इसी तरह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके फजाइल को भी बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है, तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाता है, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुलूम किया जाता है। हालांकि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े वाज़े फजाइल व मनाकिब हैं, रिवायात या अहादीस से हटकर, अहादीस को कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं
जो सबको मुसल्लम है, सबको तस्लीम है। मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है अली रजी अल्लाह के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ बड़ी रिश्तेदारी है, तो आपकी रिश्तेदारी का ख्याल करना चाहिए। हमें कहते हैं हालांकि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उस रिश्तेदारी का ख्याल और एहतराम करते हैं जिसके साथ शर्फ़े सहाबिये शामिल है। हर वो रिश्तेदार जो आप पर ईमान ले आया, हमारा दीन और हमारा ईमान है। लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह की बात होती है तो कहते हैं कि नबी की रिश्तेदारी का ख्याल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के खावंद हैं, आपके दामाद हैं। लेकिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तो दोहरे का माल है, फिर उनकी रिश्तेदारी का क्यों ख्याल नहीं किया जाता? उनके फजाइल व मनाकिब को क्यों तस्लीम नहीं किया जाता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दामाद होने की रिश्तेदारी है वो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की ज्यादा है। दो बेटियों के खामत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दो बेटियों के खामत। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैते रिजवान के वक्त उनकी शान और उनकी फजीलत में जो बात इरशाद फरमाई, जब सब बैत कर चुके, मौत की बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उठाया, अपना हाथ मुबारक उठा के फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, मैं अपने हाथ से उस्मान की तरफ से अपने ही हाथ पर बैत कर रहा हूं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अपने हाथ को सैयदना उस्मान रजी अल्लाह का हाथ करार दिया। कितनी बड़ी शान मकाम है। लेकिन इसका कोई प्रोपेगंडा आप नहीं सुनेंगे। इससे बरक्स अगर ये हदीस सैयदना अली रजी अल्लाह के बारे में होती तो अंदाजा करें किस कदर मुबालगा किया है, कितना मुबालगा किया जाता है, कितना मुबालगा किया जाता है कि वो आयत मुबाहला से गलत इस्तेखराज करके गलत मतलब निकाल के कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को अपना नफ्स करा दिया। वो तो नफ्से रसूल है। इसी तरह अंतमिनी वाना में वो इससे भी इस्तेदलाल करके बिल्कुल झूठा और गलत मतलब निकाल के, जो बिल्कुल बनता ही नहीं है, किताब सुन्नत के उसूलों के खिलाफ है, तो वहां अली रजी अल्लाह अन्हु की शान में उलू किया जाता है। कहा जाता है कि अली रजी अल्लाह अन्हु नफ्से रसूल है, यानी खुद अली रजी अल्लाह अन्हु खुद रसूल न हो, यही मतलब हो रहा। जबकि यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को फरमा रहे हैं कि ये उस्मान का हाथ, यानी इसका मतलब फिर हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्से उस्मान है। हम तो गुलूब नहीं करते ना। तो बताने का मकसद यह है कि अहले बैत के नाम पे बहुत ज्यादा गुलूब किया जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि मुसलमान सहाबा और अहले बैत के तमाम फजाइल को उसी तरह तस्लीम करें जिस तरह किताब सुन्नत ने हमें बताए हैं, और जिस तरह इजमाए उम्मत तवातुर के साथ आलो सुन्ना का इजमा चला आ रहा है, उसी तरह हम अहले बैत और सहाबा इकराम के फजाइल को तस्लीम करें। और खुद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने ये बात फरमाई है, और ये बात हमारे अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है। जैसा कि इमाम आमिर अंबर रहमतुल्लाह की किताब फजाइल व सहाबा में मौजूद है और रवाफिज की किताबों में भी मौजूद है, बल्कि ज्यादा मौजूद है ये नाज़ुल बलागा जिसको अली रजी अल्लाह अन्हु के खुतबात कहा जाता है, उसमें कम से कम चार दफा ये कौल आया, चार दफा कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। आप तो इसलिए मानते ना, हमारे पास सही सनद से मौजूद है हमारी किताबों में, अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया यह कुफी या रजुला, मेरी वजह से दो किस्म के लोग हलाक बर्बाद हो जाएंगे, यानी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नत से मारूम हो जाएंगे दो किस्म के लोग मेरी वजह से। उनमें से सबसे पहला ऐसा शख्स जो मेरी मोहब्बत में गुलूब करने वाला, मेरी मोहब्बत में गुलूब करने वाला, और दूसरा वो शख्स है जो मेरी
नफरत में मेरी तोहीन करने वाले, तो मोहब्बत करने वाले को पहले लाए हैं हलाकत और बर्बादी में, जहन्नम का ईंधन बनने में सबसे पहले वो शख्स है जो मोहब्बत में गुलूब करने वाला, और दूसरा वो शख्स है जो नफरत में तोहीन और तनकीस करने वाला है और उनके फजाइल का इनकार करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आलो सुन्ना व जमा आलू अजीज दोनों किस्म के रवैयों से पार, ना हम उनकी मोहब्बत में गुलूब करते हैं और ना हम उनसे कोई बुग्ज और नफरत रखते हैं कि हम उनकी शान में तनकीस और तोहीन करें, हम इसका तसव्वुर भी नहीं करते। बिल्कुल इत्मीनान के साथ हम सहाबा और अहले बैत के फजाइल को तस्लीम करते हैं और मानते हैं, बल्कि हमारे अकायद में शामिल है। हमारे आइमा ने जो अकायद को किताबें लिखी हैं जहां सहाबा के फजाइल अहले बैत के फजाइल बराबर दर्ज किए गए, बराबर तौर पर अबू बकर उमर उस्मान अली तला जुबैर और तमाम सहाबा इकराम, तमाम सहाबा इकराम के बारे में एहतराम इज्जत उनकी तकरीम उसको फर्ज और लाजम करा दिया। आज लोग उनको ये बात तो याद रहती है, तो हमारे अहले सुन्नत की किताबों में हमें तस्लीम है, बिल्कुल सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, वसीयत की उनको या उनके शरफ में कलमा इरशाद फरमाया कि अल्लाह युहिब्बुनी इल्ला मुमिनुन वला युहिब्बुनी इल्ला मुनाफिकुन, तो मुझे अली से मोहब्बत को ईमान वाला ही कर सकता है और मुझसे नफरत और बोझ को मुनाफे भी रख सकता है। ये बिल्कुल ठीक है और हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में तमाम से आदा कराम और किबार से आदा कराम को नौजुबिल्ला मुनाफे करार देने की मजमूम कोशिश की जाती है। अगर किसी ने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ किया है किसी हवाले से, उसको दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है कि यह बुग्ज करने वाला है और इस वजह से नऊज़ुबिल्लाह यह मुनाफिक है। हालांकि ये कोई ऐसी फजीलत नहीं थी जो दीगर सहाबा इकराम को हासिल थी, कुछ फजाइल ऐसे होते हैं ना जो खुसूसियात नुमाया होती है, इम्तियाजी होती है, लेकिन ये खुसूसियत ये फजीलत सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की इम्तियाजी नहीं है, ये तो दीगर सहाबा इकराम को भी हासिल है। मोहब्बत ईमान की अलामत और रुख निफाक की अलामत, सही बुखारी में सारे अंसार के बारे में, पूरे अंसार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलामत ईमान हुब्बुल अंसार व अलामत निफाक बुग्ज़ुल अंसार, ये अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत है और अंसार की नफरत या अंसार से बुग्ज़ या निफाक की अलामत। लेकिन ये कोई पढ़ के नहीं सुनाएगा आपको, जो मुनहरफीन है जो दुश्मनान है इन चीजों को छुपाएंगे, बाज अहले सुन्नत का नाम लेकर या लिबादा ओढ़कर। अब वो बार बार रटा हुआ है वो ये अली जरूर सुनाएंगे कि अली रजी अल्लाह की मोहब्बत ईमान है और अली रजी अल्लाह का भूख निफाक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अंसार की मोहब्बत ईमान है और अंसार का बहुत निफाक है, ये छुपा लें, ये नहीं सुनाएंगे। हम तो कहते हैं सहाबा अहले बैत के जितने भी फजाइल किताबो सुन्नत में मजकूर हैं, हम किसी एक भी फजीलत से सरे मुंह मुनहरे, एक बात बराबर भी हम पीछे हटने के लिए तैयार, हर एक फजीलत को हम तस्लीम करते हैं, हमारे अकायद में ये बात शामिल है कि हम सब की हर उस फजीलत को माने जो किताब सुन्नत में मौजूद, बगैर किसी गुलूक के, बगैर किसी गुलूक के। और ये बात बिल्कुल आयान है, बिल्कुल आयान है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह को, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह को, इनमें से किसी की फजीलत में किसी की मनकबत में वो किसी की इज्जत और तकरीब में गुलूब नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की शान में गुलूब करते हुए कोई उनको अंबिया से मिला दे या अंबिया से नबीउल्लाह अफजल करार दे दे, ऐसा कभी नहीं हुआ।
उमर रजी अल्लाह की शान में गुलू करते हुए कोई कहे कि वो अबू बकर रजी अल्लाह से अफजल है या किसी नबी से अफजल, ऐसा नहीं हुआ। उस्मान रजी अल्लाह की शान में गुलू करते हुए कोई उनको अम्बिया से मिला दे या उन सहाबा से अफजल करार दे दे जो किताबों सुन्नत और इजमा उम्मत की रोशनी में अफजल है उनसे, ऐसा नहीं है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ जुल्म हुआ है, हकीकत में उनके साथ जुल्म है क्योंकि उनकी तालीमात की खिलाफ थी। उन्होंने कभी सारी जिंदगी में ना ये अकीदा बनाया ना ये दावत दी कि उनकी शान और मकाम बाकी सहाबा से यानी अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से अफजल है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनकी जो तालीमात हैं बिल्कुल वाज़े हैं हमारी किताबों में भी, सही बुखारी वगैरह में और अहले तशय्यों की किताबों में, उनकी किताबों में, जैसा कि सही बुखारी में है कि उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सवाल किया अली रजी अल्लाह अन्हु से अपने वालिदे गिरामी से कि अय्युन नासि खैरुम बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जी हमें ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती कौन सी है। और इसी हदीस में आगे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह को वालों का सबसे आगे का उस दौर में सब ताबीईन का इजमाई अकीदा था कि अबू बकर उमर अफजल हैं सारी उम्मत से, बल्कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से अली रजी अल्लाह अन्हु से अफजल हैं, इसमें कोई वहम नहीं था, उन्हें ये बात मालूम थी, लेकिन उन्होंने एक मकसद के तहत अपने वालिद गिरामी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछ लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब लोगों में से अफजल और आला कौन है। तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने बगैर सोचे फौरन जवाब दिया कि अबू बकर सारी उम्मत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्मत में से अफजल कौन है, अबू बकर। ये किसका अकीदा है, अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु का अकीदा है, ये अहले बैत का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन सी है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। फिर पूछा सुम्मा मन, ये तो हमें पता चल गया कि पहले नंबर पर अबू बकर का पहला नंबर, ये किसने कहा, ये किसका अकीदा है, अबू बकर का पहला नंबर किसका अकीदा है, अली रजी अल्लाह अन्हु का और सारे सहाबा का, सारे सहाबा का, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया वही यही बताया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, जिस बीमारी में आपकी वफात हुई उस बीमारी के आगाज में ही, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, लेकिन अफसोस ये है कि प्रोपेगेंडा हमेशा मनफी तरफ लेके जाया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज कलम नहीं दिया या रोक दिया कि आपके पास कागज कलम ना लाया जाए, क्योंकि उन जालिमों और बदबख्तों के बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ लिखवाना चाहते, नऊज़ बिल्लाह सुभान अल्लाह, यह प्रोपेगेंडा है। और हकीकत क्या है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कुछ दिन पहले, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आखिरी अय्याम है ना, वफात से कुछ देर पहले, इससे पहले भी इसी बीमारी में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए हैं इसी बीमारी के आगाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज कलम मंगवाया था। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कहा उजी भी अबा बकर अबाकि, आयशा मेरे पास अपने वालिद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को और अपने भाई अब्दुल रहमान को बुलाओ, मैं चाहता हूं कि मैं लिखवा के चला जाऊं दुनिया से, लिखवा के चला जाऊं, मुझे ये खदशा है, मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद कोई बंदा अपने दिल में ये लालच लेके ना आ जाए, ये तमा लेकर तमन्ना लेकर ना आ जाए कि मेरा नंबर आना चाहिए, आना आऊंगा, तो ये दावा ना कर दे कि मेरा हक ज्यादा बनता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि लिखवा दो, मेरे पास अबू बकर को बुलाओ अब्दुल रहमान को बुलाओ, मैं लिखवा दो।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मना फरमाया। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा अभी बुलाने नहीं गई, भेजा नहीं है, फरमाया रहने दो। क्यों इरादा क्यों मुलतवी कर दिया? अगर कुछ समझना चाहे ना, बिल्कुल बाद में भी यही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया लेकिन इरादा मुलतवी कर दिया। आपने फरमाया मुझे आराम करने दो, चले जाओ, अब मैंने नहीं लिखवा। ये बात पहले भी हो चुकी थी लेकिन उस वक्त ये सहाबा मौजूद नहीं थे, सिर्फ सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को रोक दिया, फरमाया आयशा रहने दो। क्यों क्यों रहने दो? अभी तो कहा कागज कलम लेके आए, मैं लिखवा के दू, मेरे बाद इख्तलाफ ना बढ़ जाए, कोई दावा लेकर ना आ जाए कि मेरा हक बनता है। अब क्यों इनकार कर दिया कि रहने दो, आयशा लिखवाने की जरूरत नहीं? मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मेरे बाद अबू बकर के अलावा ना अल्लाह ने किसी को आने देना है ना मोमिनों ने किसी को आने देना। ये सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस बोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मैं लिखवा दूं, फिर फरमा कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो अल्लाह ने अबू बकर के अलावा किसी का नंबर लगने देना है ना मोमिनों ने किसी को आगे लाना है अबू बकर के अलावा। तो बताए नबी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक पहला नंबर किसका है? लेकिन हमारे यहाँ प्रोपेगंडा के अली का पहला नंबर। इतनी तो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की, इतना इनकार इस्लाम की बुनियादों का, इतना गलत प्रोपेगंडा, बच्चे बच्चे की जुबान पे वो कवालियां आ गई, अली का पहला नंबर, अली दमदम के अंदर पता नहीं क्या, अंदाजा करें प्रोपेगंडा कितना है। और उस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अल्फाज़ क्या है कि पहला नंबर अबू बकर का है, और ये बात सारे सहाबा को मालूम थी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, सही बुखारी में है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी जिंदगी में जब हम सहाबा आपस में कभी बैठते तो कैटेगरी बनाते, दर्जात बनाते, मराते बनाते कि किस किसका कौन सा नंबर होना चाहिए, पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका, तीसरा किसका। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हम सबसे पहला नंबर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का करार देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली। जबकि सहाबा का क्या अकीदा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर हम कोई काम करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई अमल करते हैं, अगर वो दुरुस्त ना हो तो अल्लाह वही फरमा देता अपने नबी पर कि अपने सहाबा को बता दो कि तुम्हारा ये कौल फेल गलत है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम सहाबा कराम के दर्जात बनाते, पहले नंबर पे अबू बकर, दूसरे पे उमर, तीसरे पे उस्मान। तो ये किसने नंबर बनाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पर वही की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया, फिर सहाबा का इजमा भी इस पर हो गया। तो बात हो रही थी मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह को भी मालूम था, सारे सहाबा का, सब लोगों का अकीदा यह था कि अबू बकर का पहला है, उमर का दूसरा, उस्मान का तीसरा। लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं अबू जी आप जरा बोल कर बताएं पहला नंबर किसका है? फरमाया अबू बकर का। पूछा दूसरा नंबर किसका है? फरमाया उमर का। ये अली रजी अल्लाह अन्हु का अकीदा है, पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा उमर का। तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं, कि मुझे पता था कि अगर मैंने पूछा ना कि फिर तीसरा किसका है, मुझे पता था कि अली रजी अल्लाह ने फौरन उस्मान का नाम लेना है, तो मैंने सवाल बदल दिया कि शायद सवाल बदलने से जवाब बदले। पहले तो ये था ना कि पहला नंबर किस नबी के बाद पहला नंबर किसका है, फिर किसका है, तो अब फिर किसका है ये कहने की बजाय मैंने कह दिया तो फिर तो आपका ही नंबर है ना, तीसरा तो फिर आपका ही हुआ। तो अली रजी अल्लाह ने वमा अना इल्ला रजुलुन मुस्लिम, इनकार कर दिया कि तीसरा नंबर भी उस्मान के मुकाबले में मैं भी आम मुसलमान। ये अकीदा है अहले बैत का, अली बिन मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु का ये अकीदा है। तो जो लोग कहते हैं हम अहले बैत को मानने वाले हैं लेकिन पहला नंबर कहते हैं अली रजी अल्लाह अन्हु का, वो हकीकत में अहले बैत को मानते, वो अली रजी अल्लाह अन्हु को मानते नहीं। और जो कहते हैं कि नबी की बीवियां अहले बैत हैं ही नहीं,
वो भी अहले बैत को मानते हैं, जो कहते हैं नबी की एक ही बेटी है बाकी तीनों किसी काफिर की बेटियां, नऊज़ुबिल्लाह, वो भी ना नबी को मानते हैं ना अहले बैत को मानते हैं। इसलिए सहाबा व अहले बैत के फजाइल उसी तरह मानने हैं जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, और जिस तरह उम्मत का इजमा चला आ रहा है सहाबा से लेकर ताबीन से लेकर तबा ताबीन से लेकर आइम्मा दीन से लेकर, हर दौर में हमारे आइम्मा ने हमारे मुहद्दिसीन ने किताबों में इत्तेफाकी और इजमा यकीदा लिख दिया है। इस उम्मत में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तरतीब है और इसी तरतीब के मुताबिक इनके फजाइलों को मनाकिब हमने तस्लीम कर लिया। हम तो मानते हैं जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, वो अबू बकर हो, वो उमर हो, वो उस्मान हो, अली हो, वो तलहा और ज़ुबैर हो, वो सैयदना मुआविया हो, वो दीगर से आका हो, जिस जिसके बारे में जन्नत की बशारत नामजद करती है। वैसे तो सारे से आका के लिए जन्नत की बशारत उमूमी तौर पर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दी, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, तो तमाम को हमने अल्लाह ने जन्नत का वादा दे दिया है। ये सब सहाबा की उमूमी फजीलत मौजूद है, लेकिन उस सहाबा को और बड़ा प्रोटोकॉल मिला, उनका नाम लेकर भी नॉमिनेट करके जन्नती कह दिया, तो जिन जिन को कहा हम सबको नॉमिनेट करके भी जन्नती मानते हैं, हम फर्क नहीं करते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, जितने भी सहाबा हैं जिनके लिए जन्नत की बशारत हम मानते हैं और जिनके दीगर और खुसूसी फजाइल हैं हम उन्हें भी तस्लीम करते हैं। हम मानते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये जन्नती औरतों के सरदार हैं, हम मानते हैं। अगर जो लोग बाज बदबख्त रद्दे अमल में दूसरी जानब चले गए हैं, जब प्रोपेगंडा देखा कि ये लोग झूठा प्रोपेगंडा करते हैं, तो रद्दे अमल में वो भी पटरी से उतर गए, वो इस तरह की अगली बातें करते हैं। देखिए जी, जन्नती औरतों के सरदार सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसे बन गई, कैसे बन गई? उनसे बड़ी फजीलत वाली उम्महातुल मोमिनीन मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हजरत फातिमा कैसे बन गई? हम कहते हैं कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हम इसका इनकार कर सकते? हम कहते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हम मानते हैं। सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार, लोग अकली घोड़े दौड़ाते हैं, इनकार करने की रवश बाज बदबख्त इख्तियार करते हैं, जिनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक न, गुलू करने वाले न तकसीर करने वाले, अहले सुन्नत एतदाल में रहने वाले, वो इनकार करते हैं, अकली घोड़े दौड़ाते हैं कि हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से फजाइल में कितने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। देखिए, अली रजी अल्लाह अन्हु तो है ना, जो उनके वालिद भी हैं, लेकिन जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, दीगर ऐसे नौजवान सहाबा भी हैं, जवानी की उम्र में बड़े बड़े मार के दुनिया से चले गए, शहादत हासिल करके चले गए, उनको क्यों नहीं कहा गया? हम कहते हैं हमें ये इख्तियार नहीं, हमारे नबी ने फरमा दिया और अल्लाह की वही से फरमा दिया कि जन्नती नौजवानों के सरदार कौन है? हसन हुसैन रजी अल्लाह, हमने मान लिया, हम इसमें गुलूब भी नहीं करते। इस वजह से उनकी शान और मकाम को दीगर रिवाज से अलग राम से बढ़ा कर पेश करें, इस फजीलत को भी मानते हैं। अहले सुन्नत एतदाल में रहने वाले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानने वाले हैं, वो हमारी अकल में आए या ना आए हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हम गुलूब भी नहीं करते, न किसी को गुलूब करने देते हैं। हमारी दावत ये है, अहले सुन्नत अहले हदीस की दावत ये है, इफरात और तफरीत से हटकर एतदाल का रास्ता बनाए, और एतदाल का रास्ता वही है जो किताब सुन्नत ने दिया, जो इजमाए उम्मत ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें किताब सुन्नत की तालीमात के मुताबिक अहले बैत और सहाबा किराम के फजाइल को तस्लीम करने और उनके मुताबिक अपना अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आप जिन अहबाब के सवाल हैं वो अपने सवाल लिख कर यहाँ पहुँचा दें ताकि उनके जवाब दिए जा सकें। जज़ाकअल्लाह खैरा।